ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें कुछ काल्पनिक किरदार डाले गए हैं जिसे पूरी तरह से मनोरंजन के दृष्टिकोण में बनाया गया है। कहानी में काल्पनिक किरदार और हालात भी नजर आ सकते हैं। This is NS Media Podcast and you're listening to Nirav Modi. Episode 4 of 10 episode series. कहानी के पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं कि अपने व्यापार में हुए एक बड़े नुकसान के बाद नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी भारत लौट आए और यहाँ उन्होंने हीरे व्यापारी मेहुल चौकसी के साथ काम करना शुरू किया। हम जान चुके हैं मेहुल चौकसी का बचपन और उनके परिवार के बारे में। मेहुल अब बड़ा हो चुका था और एक दिन मेहुल के पिता चिनुबाई चौकसी ने उसे और उसके भाई चेतन को बुलाया और कहा, बेटा आओ मेहुल, आओ चेतन, बैठो। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी पापा, बताइए। बेटा मैंने बताया था ना कि मेरी आंखों में कुछ दिक्कत है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी। जी पापा, क्या हुआ? आप तो डॉक्टर को दिखाने गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा मुझे ग्लूकोमा है और अब ये बढ़ता ही जा रहा है, मुझे लगता है कि अब ये बिजनेस मैं आगे नहीं चला पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि जिम्मेदारी के लिए अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, मगर मैं भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूं ही किसी को भी तो नहीं दे सकता, और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें और चेतन को ही सब देखना होगा। मगर पापा, हमें कुछ भी नहीं आता, हम कैसे कर पाएंगे? मैंने मुनीम जी को कहा है, वो सब सिखा देगा तुम्हें। जी पापा। अब चेतन और पप्पू उर्फ मेहुल गीतांजलि ज्वेलर्स के नए चेहरे थे। अब चेतन के पास मौका था अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने का जो बचपन में उसने अपने भारी वजन की वजह से झेली थी। जैसे ही मेहुल के हाथ में कारोबार आया, उसने अपने दोस्त को ये दिखाने में एक मिनट भी नहीं लिया कि वो भारत की एक लीडिंग डायमंड कंपनी का मालिक बन गया है। उसने अपने सभी दोस्तों को 5-स्टार रेस्टोरेंट में दावत दी। इस होटल का नाम था ओबेरॉय होटल, जो मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में था और मुंबई के सबसे महंगे होटल में से एक था। मेहुल का ये दिखावा अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेहुल आए दिन अपने दोस्तों को महंगे तोहफे देता रहता था, कभी स्विच वॉचेस, बेल्जियम चॉकलेट्स, तो कभी शिफर्स पेन्स और ओलंपस SLR कैमरा। ऐसे गिफ्ट उसकी तरफ से उसके दोस्तों को पहुंचते रहते थे। कुछ ही वक्त बाद परिवार में नोकझोंक के चलते गीतांजलि ज्वेलर्स और मेहुल का परिवार सबका बंटवारा हो गया। चेतन भैया, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो भैया। जब अब सब अलग हो ही चुके हैं और हमारा बिजनेस भी बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कि हमें इसे और आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ सोचना तो चाहिए और मैं सोच भी रहा हूँ, मगर क्या कर सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? भैया हम इंडियन मार्केट में जितना ज़्यादा फैल सकते थे हम उतना फैल चुके हैं, अब भारत के बाजार में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें भारत से बाहर अपने बिजनेस को विदेश तक लेकर जाने के बारे में सोचना चाहिए, आपको क्या लगता है भैया? हाँ ये अच्छा विचार है, हम इस पर काम कर सकते हैं, तुम आगे प्लान बनाओ फिर हम करते हैं। ठीक है भैया। अब गीतांजलि ज्वेलर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मेहुल चौकसी ने अपने पिता के कंजर्वेटिव माइंडसेट से हटकर थोड़ा खुले विचार को व्यापार में लाने के बारे में सोचा और ऐसा करने के लिए मेहुल बहुत एक्साइटेड था और जल्द से जल्द कुछ नए कदम उठाना चाहता था। उसने अपने पिता की पहचान और उसके अंकल के सर्कल का इस्तेमाल किया। मेहुल के समय में गीतांजलि ज्वेलर्स का बिजनेस बढ़कर साल 2012 में 6000 करोड़ हो चुका था और उसके शेयर प्राइस बढ़कर 600 रुपए हो चुके थे। अब चौकसी के दिमाग में कंपनी के मार्केटिंग का ख्याल आया और उसने अपने भाई चेतन से कहा, चेतन भैया आपको पिक्चर देखना पसंद है? हाँ यार मुझे तो बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मुझे तो यार बिपाशा बासु बहुत पसंद है, उसकी एक भी पिक्चर नहीं मिस करता हूँ मैं। मगर तू ये सब मुझे क्यों पूछ रहा है, कोई नई मूवी आ रही है क्या उसकी? अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे दिमाग में गीतांजलि ज्वेलर्स को लेकर एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है भाई? भैया
मैं सोच रहा हूँ कि हमें हमारे ब्रांड की मार्केटिंग पर अब और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छी एक्ट्रेसेस से हमारे ब्रांड का प्रमोशन करवाऊँ। हाँ यार, ये तो अच्छा आइडिया है, विपाशा आपको जरूर लेना। हाँ हाँ भैया, पक्का। जल्दी ही मेहुल चौकसी ने हाई प्रोफाइल मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स की मदद से गीतांजलि ज्वेलर्स को प्रमोट किया। इनमें बिपाशा बासु, कंगना रनौत, करीना कपूर और ऐश्वर्या राय जैसी टॉप हीरोइन शामिल है। इससे कंपनी को इतना ज्यादा फायदा हुआ कि कंपनी के सारे शेयर्स अब आसमान छूने लगे थे और चौकसी ने इसे 3,300 करोड़ का मुनाफा कमाया। मेहुल गीतांजलि को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता था। जब चौकसी अपना एम्पायर बना रहा था, तब उसके पूरे सफर में नीरव मोदी उसके साथ ही था और उससे ट्रेड और बिजनेस की बारीकियों सीख रहा था। नीरव जब भी चौकसी की तरफ देखता, यही कहता कि ये एक कमाल का आदमी है। 2001 तक नीरव मोदी ने चौकसी के साथ प्रसाद चेंबर के 18वें माले के चेंबर में काम किया। वो अपने अंकल के साथ मीटिंग्स भी अटेंड किया करता था। जब चौकसी और नीरव ने अपने रास्ते अलग करने के बारे में सोचा और उन्होंने अलग अलग व्यापार करना शुरू भी कर दिया था, तब भी नीरव को अपने अंकल चौकसी पर इतना विश्वास था कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के ऑफिस में आया करते थे। हालांकि इससे काफी दिक्कतें भी हुई, क्योंकि आईटी सेल की रेड चौकसी के ऑफिस में पड़ी थी। मगर क्योंकि उसने अपनी बहन गीता को ये वादा किया था कि वो उसके बेटे का हमेशा ख्याल रखेगा, चौकसी ने कभी नीरव पर कोई दिक्कत नहीं आने दी थी। लिबरलाइजेशन के बाद चौकसी ने एक नया आइडिया निकाला। चेतन भैया, आपने आज का अखबार पढ़ा? क्या निकला है ऐसा? लिबरलाइजेशन की वजह से मार्केट में मंदी आई है। ये तो होना ही था, मगर ये भी कुछ वक्त का ही है। फिर भी हमें कुछ करना चाहिए, वरना हम तो हमें नुकसान हो जाएगा। सेल कर सकते हैं। हाँ वो भी है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ज्वेलरी का एक नई रेंज निकालूँ। ये देखिए, मैंने पूरा प्लान बनाया है। दिखा। ये देखिए, हम 3,000 से लेकर 25 लाख तक के प्रोडक्ट्स अपने पास रखेंगे, मगर इसमें से 90% से प्रोडक्ट 1 लाख से कम वैल्यू की होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। क्या ये सही है? हमारी इम्पोर्ट और मेकिंग कॉस्ट और प्रॉफिट सब निकल पाएगा इससे? मैं सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही आपसे ये आइडिया शेयर किया है। इनफैक्ट हम इसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है। अगर तू इतना श्योर है तो फिर ठीक है। जल्द ही गीतांजलि ने लोगों को सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतर क्वालिटी देने का वादा शुरू कर दिया था, मगर कुछ वक्त बाद उन्हें इस चीज से नुकसान होने लगा और कंपनी घाटे की ओर जाने लगी थी। साथ ही साथ गीतांजलि का एडवर्टाइजमेंट पर होने वाला सालाना खर्चा लगभग 228 करोड़ था, जो कि काफी ज्यादा था, और इसकी वजह से भी कंपनी को कुछ खास मुनाफा नहीं हो पा रहा था। इस नुकसान को देखते हुए मेहुल ने सॉफ्ट मार्केटिंग के बारे में सोचा और घोड़ों की रेस पे पैसे लगाना शुरू कर दिया। मेहुल के सारे कदम नीरव बेहद ध्यान से देख रहा था और उसने सोच लिया था कि वो भी कुछ ऐसा ही करेगा। साल 2013 तक भारत के बड़े बड़े ज्वेलरी हाउसेस अपनी बैंक की पेमेंट मिस कर चुके थे और इसकी वजह से उनके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि बैंक अब किसी भी ज्वेलर को इस काम के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ज्वेलर्स की वजह से बैंक अब सभी ज्वेलर्स को इस नजर से देख रही थी कि जल्दी ही इस बात का इफेक्ट गीतांजलि ज्वेलर्स पर भी पड़ा और इसके स्टॉक वैल्यूज भी अब गिरने लगे। जावेरी बाजार, जिसे ज्वेलरी बाजार का दिल कहा जाता है, वहां अब खबर उड़ने लगी थी। अरे भाई, जानते हो बाजार में एक नई खबर उड़ रही है। क्या? अरे यही कि मेहुल चौकसी के पास बैंकों के करोड़ों रुपए का उधार है और वो न चुका पाने की वजह से बैंक उसे पैसा नहीं दे रही है और अब तो उसका व्यापार भी ठप होने वाला है। अरे वो गीतांजलि वाला मेहुल ना? हाँ हाँ, वही मेहुल चौकसी। अरे बाप रे, उसका तो कितना बड़ा कारोबार था। हाँ देख लो क्या हुआ है बेचारे के साथ। ये बात सच थी कि मेहुल चौकसी और गीतांजलि ज्वेलर्स दोनों ही बुरे हालात में थे, मगर बाजार में तो खबर इससे कहीं ज्यादा फैल रही थी। गीतांजलि ज्वेलर्स
अब पैसों के लिए छोटे छोटे ट्रेडर्स पर निर्भर करने लगी थी, जो सोने के बदले पैसा देते हैं। मगर साल 2013 में सरकार ने ये सुविधाएं भी बंद कर दी थी और साथ ही साथ देश में सोने का एक्सपोर्ट टैक्स भी बंद करवा दिया था। इसका मतलब था कि अब गीतांजलि ज्वेल्स को अपना कच्चा माल मंगवाने के लिए एक नया रास्ता देखना था। तो क्या रहा होगा ये रास्ता और क्या मेहुल चोकसी गीतांजलि को इस मुसीबत से निकाल पाएगा, ये सब हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। Thank you for listening to NS Media podcast Nirav Modi, episode 4 of 10 episode series. A series written by Tusharika Sharma, narrated and sound designed by Mohinder Rathaur. Subscribe to our channel on Gaana app or wherever you listen to your podcast. For feedback, mail us on nsmediapodcast@gmail.com. Keep tuning in on every Friday for new episode.